नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे आदिकाल के साहित्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की जानकारी रोजाना लेके आती हूँ जिससे आपको मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आदिकाल में बहुत सारे साहित्य की रचना की गई है, सभी के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले हम जानेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य का जो काल है वो 7वीं सदी से 13वीं सदी तक माना जाता है, और इसका जो साहित्य है वो दोहा के रूप में मिलता है। राहुल, संस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है, परंतु अभी तक हमारे पास केवल 14 सिद्धों की ही रचनाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के व्रजयान शाखा से है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो जो भी वाक्य महत्वपूर्ण है मैंने उसका कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको याद रखने में और समझने में सुविधा हो। बहुत बहुत बार होता है कि एक ही जैसा होता है तो समझ में नहीं आता किसको याद रखे किसको ना रखे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध सिद्ध का जो संबंध है, सिद्धों का संबंध बौद्ध बौद्ध धर्म के व्रजयान शाखा से है, और इन्होंने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक सरहप्पा को माना जाता है। सरहप्पा एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं सिद्ध साहित्य के, और इनका जो जन्म है वो 769 ईस्वी माना जाता है जन्म का। तो सबरप्पा के अलावा और भी कवि थे जिनमें से प्रमुख है सबरप्पा, लुईप्पा, डिम्भिप्पा, कढ़प्पा, कुकरिप्पा आदि। ठीक है, और इनके इनके द्वारा जो साहित्य रचना की जाती थी उन साहित्य रचना में प्रयोग की जाने वाली भाषा को सांधा भाषा कहते हैं, संधा भाषा। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। इसके बाद आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य का जो समय है आरंभ है वो 8वीं सदी से माना जाता है, और परंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी तक इनका समय अपनी चरम सीमा पर था। कहने का तात्पर्य यह है कि 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जो जो भी रचनाएं हुई, जो जो भी साहित्य रचना नाथ साहित्य में हुई, वो बहुत ही उत्तम उत्कृष्ट रचना थी, उत्तम रचनाएं थी। ठीक है, और नाथ साहित्य हठ योग मार्ग का अनुसरण करते थे। गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। गोरखनाथ को, ये गोरखनाथ जो है वो पतंजलि के साथ मिलकर हठ योग का प्रवर्तन किए, और इन्होंने गोरखवाणी की रचना की। वे गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे। मच्छंद्रनाथ एक सिद्ध थे, वे सिद्ध संप्रदाय के थे, और नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी जाती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है परीक्षा में कि सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी है, तो सिद्ध की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं कौन सा साहित्य है। रासो साहित्य। दोस्तों रासो साहित्य में रासो जो शब्द है ना उसको लेकर विद्वानों के बीच बहुत ही मतभेद है। ग्रियर्सन रासो शब्द की उत्पत्ति राजादेश से मानते हैं, राजादेश। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। इस साहित्य के प्रमुख कवियों में दलपति विजय, श्रीधर, नल्ह सिंह, नरपति नाल्ह, जगनीक, चंद आदि हैं। देखते हैं इन्होंने कौन कौन से कवियों ने क्या क्या रचनाएं की। तो ये दलपति विजय जो है इन्होंने खुमार रासो की रचना की, श्रीधर ने रणमल छंद की रचना की,
नल सिंह ने विजयपाल रासो, नरपति नल ने विसलदेव रासो, जगनीक ने परमाल रासो और चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। दोस्तों ये पृथ्वीराज रासो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये चंद्रवरदाई की है। ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, इसके बाद कौन सा साहित्य आता है, जैन साहित्य। आदिकाल में जैन साहित्य की रचना हुई। जैन साहित्यकारों ने रासों को अपनी रचना शैली के रूप में अपनाया। रासों को, रास जो है, रास जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ था और इसीलिए जैन साहित्य में अधिकतर रास ग्रंथों की रचना मिलती है। इस साहित्य के प्रमुख कवि में देवसेन, आसुग, शालीभद्र सूरी, विजयसेन सूरी, सुमति गढ़ी, जिन धर्म सूरी आदि हैं। आइए देखते हैं अब किन किन कवियों ने क्या क्या रचनाएं की। देवसेन ने श्राव कचार की रचना की, ठीक है, श्राव कचार। और आसुग ने चंदन बाला की, शालीभद्र सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली रास की, विजयसेन सूरी ने रेवंती गिरी रास की, सुमति गढ़ी ने नेमिनाथ रास की, जीन धर्म सूरी ने स्थूलीभद्र की रचना की। इसके बाद आता है गद्य साहित्य। आदिकाल में काव्य के साथ साथ गद्य रचना भी की गई। दोस्तों हम जानते हैं कि आधुनिक काल जो है वो गद्य साहित्य का काल है, परंतु उसका आरंभ आदिकाल से ही हो गया था। गद्य साहित्य को लिखने वाले लेखकों में कवि रोडा, दामोदर शर्मा और ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं, ठीक है। राहुल वेल की रचना रोडा कवि ने की, यह एक शिलांकित कृति है। इसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रित हैं। इससे चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी रचना मानी जाती है। दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की है। उसके बाद है विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रश्न आता है कि विद्यापति की रचनाओं में किस रस की प्रधानता थी, तो ये उत्तर होगा श्रृंगार रस, ठीक है। और उनकी जो सबसे उत्कृष्ट कृति है वो है विद्यापति पदावली, ठीक है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट और एवं मैथिली तीन भाषाओं में साहित्य की रचना की है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो तीन है, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति पदावली उनकी सर्वोत्तम रचना है। उनको जो इतनी प्रसिद्धि मिली है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो वो इसी के वजह से, विद्यापति पदावली की वजह से। उत्तम उत्तम कोटि की रचना है विद्यापति। इसके बाद देखते हैं लौकिक साहित्य। दोस्तों आदिकाल में लौकिक साहित्य की रचनाएं भी हुई हैं और इस साहित्य के कवियों में कुशाल राय, भट्ट केदार और मधुरकर कवि हैं। आइए देखते हैं अब इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं। कुशल राय ने ढोला मारू रा दुहा की रचना की है और यह एक श्रृंगार काव्य है, ठीक है। इसके अलावा भटकेदार ने जयचंद्र प्रकाश तथा मधुरकर कवि ने जसमयंक जस चंद्रिका की रचना की है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी तरह की जानकारी और चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आप इस तरह की वीडियोस और देख सकें।
और दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ अपने वीडियोस में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया करा सकूँ, जिससे आपको चीज़ों को समझने में सुविधा हो, और कोशिश करती हूँ कि और ज़्यादा इजी तरीके से, आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।